दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। अंडा पराठा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं सब आपको दिखा रही हूँ। ये देखियो, मैंने धनिया पत्ता लिया है और एक एग लिया है। ये एग है, एक एग है, और ये मैं चिली फ्लेक्स है, नमक है, और मैं एक कलछुल ये आटा दे रही हूँ। रेगुलर आटा है, ये रेगुलर आटा है। एक कलछुल दिया मैंने, ये दो कलछुल दे रही हूँ, ठीक है। बस इसके बाद मैं नमक दूंगी, स्वाद अनुसार नमक दूंगी, हाफ चम्मच करीब। बस ये धनिया पत्ता जाएगा थोड़ा, और चिली फ्लेक्स जाएगा एक चम्मच। बस हो गया। अब ये अंडा जाएगा, ये दूध लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके दूध दे करके सानूंगी। पहले सान लेती हूँ जितना लगता है। सुबह का ब्रेकफास्ट है। इसके बाद दूध से साना जाएगा इसको। ये मैदा से भी होगा, लेकिन मैं मैदा से नहीं, और मैं इसको रेगुलर आटे से ही कर रही हूँ। अब इसको करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ओके। फिर मैं थोड़ा सा मैं मैश करके फिर थोड़ी देर में आ रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने लोइया किया है, और इसको मैं अब बेलूंगी। थोड़ा सा ब्रश में तेल लगाऊंगी, रिफाइंड ऑयल है ये। तेल मैंने पहले नहीं लगाया है, इसलिए मैंने तेल लगा रही हूँ। चारों कोना अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। बस ये हो गया मेरा एक। अब यह आइए, तवा बैठा है, तवे के जोर कर दूंगी, और इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी। सेकंड वाला भी यही है मेरा।
अब मैं सेकेंड वाला लगाऊंगी। ये देखिए ये लास्ट में बना रही हूँ कप के लिए। ये देख लीजिए अब खत्म हो गया ये। बस ये अंडा पराठा दही के संग लीजिए आप। अंडा पराठा बहुत ही सॉफ्ट है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है, जो आप हाथ में लोगे इस तरह से मुड़ जाएगा। ओके, और ये सारे ये लेयर भी खुल जाएंगे। ये देखिए सारे लेयर खुल रहे हैं। चलिए अंडा पराठा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आई सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना और मैंने शेयर करना और लाइक कर देना। ओके, अगले रेसिपी पे फिर मिले। अंडा पराठा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक शेयर करना और एक लाइक देना और ये सब्सक्राइब भी कर देना। ओके?